हाँ आज का लेक्चर है बस। हमारा बस एक तरह से हमारा एक हाईवे की तरह वर्कआउट करता है जो डिफरेंट शहरों को जोड़ता है। ऐसी कंप्यूटर के अंदर हम बस का यूज करते हैं। बस हमारा किस लिए यूज होता है? डेटा ट्रेवल के लिए। अगर आपकी जो आपकी फंक्शनल यूनिट्स कंप्यूटर के अंदर यूज होती है, जस्ट लाइक सीपीयू, सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये अपना डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल यूनिट, तो जो डेटा ट्रांसफर होता है हमारा वो बस के द्वारा होता है। तो हमारा जो डेटा ट्रेवल है वो बस के थ्रू होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। आपने ये डायग्राम भी देखा होगा। मैं ये दैट्स द बस, दैट्स द बस। देखिएगा एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ब्लैक कलर की, और वो सीपीयू को जोड़ती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड रैम। तो दैट्स द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें हम बस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका मदरबोर्ड है, आपने देखा भी होगा। मदरबोर्ड में बहुत सारे डिफरेंट यूनिट होती हैं, जस्ट लाइक ये आपकी रैम का चॉइस है, ये आपके कार्ड्स हो गए एक्सटर्नल, ये फैन हो गया, सीपीयू इसके नीचे होता है, और ये डिफरेंट आपकी आईसीज और चिप्स। तो जो डेटा ट्रांसफर होता है सारा ही इसके में बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखिएगा, अब सीपीयू की वो डिस्प्ले, सीडी रोम, हार्ड डिस्क और रैम सभी को कनेक्ट करता है बस। तो बस एक हमारा एक होलसोल हाईवे हो गया जो डिफरेंट यूनिट्स को ऐड करता है अपने साथ, और डेटा को जिसको भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेटा प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि एक बस इंटरकनेक्शन स्कीम। अब बस में हमारे जो इंटरकनेक्शन होता है, डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स जो ऐड होती है, तो थ्री कैटेगरीज में बस को हमने डिवाइड कर रखा है। एक तो डेटा लाइंस, एक एड्रेस लाइंस, एक कंट्रोल लाइन। यानी कि हमारा डेटा कहाँ है एक्चुअली में, डेटा जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, और पर्टिकुलर उस एड्रेस जो जिस एड्रेस पे वो डेटा स्टोर्ड है, और कंट्रोल यूनिट ये बताती है, कंट्रोल लाइंस ये करती है कि वो डेटा क्या एग्जीक्यूट करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा, क्या सीक्वेंस है प्रोग्राम का, वो कंट्रोल लाइन उन्हें कंट्रोल करती है। तो ये तीन जो टाइप्स कह सकते हैं बस की, वो होती है डेटा लाइंस, एड्रेस लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। तो अगेन अब हम बस से स्टार्ट करते हैं। द बस, व्हाट इज बस? इट इज सिंप्लीफाइड वे फॉर मैनी डिवाइसेस टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, लुक लाइक ए हाईवे फॉर इंफॉर्मेशन, एक्चुअली मोर लाइक ए बास्केट दैट दे ऑल शेयर। एक तरह से बास्केट है जो ऑल शेयर करते हैं। तो बस आप देख रहे हैं कीबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। आप सभी को पता चल चुका होगा बस आपका क्यों यूज होता है, डेटा ट्रांसफर के लिए, और ये डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स को ऐड करता है। देन सपोज सीपीयू नीड्स टू चेक टू सी इफ द यूजर टाइप्ड एनीथिंग। अगर मान लीजिए सीपीयू को चेक करना है कि यूजर ने कुछ डेटा टाइप करा है, क्योंकि ऑल डेटा एक्टिव कहाँ होता है? सीपीयू। सीपीयू से सारे चीजें उसे चेक करता रहता है, कैसे उसे प्रोसेस करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो सीपीयू यूज। तो हम कैसे चेक करते हैं? तो जैसे ही आप देखिएगा कीबोर्ड, सीपीयू पुट्स कीबोर्ड, यानी कि अपना जो कंट्रोल है सीपीयू किसे दे देता है, कीबोर्ड को प्रोवाइड करता है कि आप डिड द यूजर टाइप एनीथिंग रिप्रेजेंट इन सम वे ऑन द बस। तो कीवर्ड जो कीबोर्ड है, डिड द यूजर टाइप्ड एनीथिंग, जैसे ही कीबोर्ड पे आप टाइप करते हैं, देखिएगा आपको जैसे ही कीबोर्ड पे आपने टाइप करा, डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले भी हो जाता है, एंड देन कीबोर्ड नोटिस दैट इट्स नेम इज ऑन द बस एंड रीड्स इंफॉर्मेशन, अदर डिवाइस इग्नोर द इंफॉर्मेशन। जिसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सीपीयू को पता होना चाहिए, और डिस्प्ले यूनिट पे वो आपकी शो हो रही है। देन कीबोर्ड देखिएगा, ये एरो डाउन होता है, सीपीयू यस यूजर टाइप्ड ए, यूजर ने टाइप ए करा है, एरो मैंने बना रखा है। देन सीपीयू ने यस यूजर टाइप्ड ए, सीपीयू ने चेक करा उसे। एट द सेम पॉइंट सीपीयू रीड्स द बस एंड गेट्स द कीबोर्ड रिस्पॉन्स, उसे रिस्पॉन्स करता है, एंड देन ये आपका एक प्रोसेस होता है। सीपीयू कैसे डेटा को रीड करता है कीबोर्ड के द्वारा, और डिस्प्ले यूनिट कैसे वर्कआउट करती है। तो इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज द पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू क्या है? एक ब्रेन है कंप्यूटर का। अभी मैं क्वेरी को सॉल्व करूंगा, आफ्टर दैट कोई एनी प्रॉब्लम तो आप बाद में चैट पे लिख सकते हैं। मैं चैट भी रीड कर रहा हूँ, आप चैट पे लिख दें, मैंने रीड कर लूंगा। कोई भी अगर इन बिटवीन कोई भी आपको कुछ पूछना है तो चैट पे लिख दें।
देन सीपीयू इज द ब्रेन, सभी को पता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ऑल द एक्टिविटीज रिगार्डिंग द कंप्यूटर वो सीपीयू परफॉर्म करता है और यूजर के थ्रू इंस्ट्रक्शन के द्वारा. लेट्स टेक लुक इनसाइड. अब इनसाइड अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, अगर आप देखें इनसाइड में तो सीपीयू के अंदर बहुत सारे मेमोरी रजिस्टर्ड होते हैं और जो भी हम काम परफॉर्म करते हैं वो रजिस्टर के थ्रू परफॉर्म होता है. तो हम कैसे वो डेटा को रजिस्टर के अंदर, एक्चुअली हमारे डेटा कहाँ है, मेमोरी के अंदर. हमने कल डिस्कस करा हमारे डेटा और हम कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहे हैं. सीपीयू में जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है तो वो कैसे होती है, कैसे वो वर्कआउट करता है, तो वो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. मैंने ये भी नीचे भी लिखा है, देखिएगा. टेम्परेरी मेमोरी कंप्यूटर लोड्स डेटा फ्रॉम रैम. हम रैम के थ्रू, हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, जो आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि हमारा जो मेमोरी होती है रैम, रैम के अंदर हमने दो टाइप से कैटेगराइजेशन करा था. एक जगह हमारा डेटा होता था, एक जगह हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते थे. यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही हमारे कहाँ होते थे, हमारे रैम के अंदर है. तो कैसे कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे रजिस्टर के थ्रू, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू आपको बता रहा हूं. इसमें हम मैंने लिखा है, रिमेंबर अवर इनिशियल एग्जांपल, रीड वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम मेमोरी, रीड वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम मेमोरी, एड ए एंड बी, पुट द रिजल्ट इन द मेमोरी and the in the variable c, the read are done to the registers, the addition is done in register and the result is written into the memory from register. ab dekhiyega, actually hum memory ke touch mein agar hum direct rehte hain, cpu aur memory ke touch mein rahe to hamara problem ye aati hai ki cpu bahut fast hota hai ram se bhi, to ram kya hota hai slow pad jati hai data transfer mein. to hum kya karte hain ki register, हम क्या करते हैं रजिस्टर्स का यूज करते हैं. रजिस्टर एज कंपेयर टू रैम बहुत फास्ट होते हैं, तो जिससे आपका सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसिंग को स्लो नहीं करता. आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो स्लो नहीं होती, डेटा प्रोसेसिंग वो आपकी स्लो नहीं होती और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो इसलिए हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं एज कंपेयर. हम सारा डेटा अपना रैम पे होता है, रैम से वो रजिस्टर में ट्रांसफर करना पड़ता है. रजिस्टर सीपीयू से, सीपीयू रजिस्टर से रीड इंस्ट्रक्शन करता रहता है और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता रहता है. तो अगेन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा. अब जो ऑपरेशन सीपीयू के अंदर होते हैं वो होते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के थ्रू. आप देखते हैं जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो कहां करते हैं हम, एएलयू के थ्रू. For doing basic arithmetic logic operation on value stored in the register का ALU के थ्रू. तो जो instruction register provide करता है वो ALU में transfer, ALU अगर वो mathematical calculation है तो वो ALU उसे operate करता है और फिर उसकी value को register में transfer करता है. And instruction pointer हमारा ये बताता है कि वो जो हमारा जो instruction है वो actually memory में कहाँ है. मैंने लास्ट टाइम भी बात करा था, मेमोरी में दो टाइप होती है, एक तो होता है एड्रेस, एक होता है डेटा. अब किस लोकेशन पे वो डेटा स्टोर्ड है तो वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताता है कि इस एड्रेस पे पर्टिकुलर करंट इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल इन रैम और फिर वो उठ के आपका सीपीयू के पास आता है. तो कंट्रोल यूनिट ये एक तरह से स्टेट मशीन का काम करती है जिसके थ्रू हमारा सारा ये वर्क होता रहता है. It all comes down to the control unit. This is just a state machine. तो ये work कैसे करती है? The control unit हमारी क्या कहती है? एक state machine की तरह होती है. पहले तो हमारा RAM से fetch करती है data. यानी ask the RAM for the instruction whose address is stored in the IP. आप देख रहे हैं fetch instruction. फिर execute instruction होता है. There are only a small number of possible instruction depending on which
इट इज डू व्हाट इज द नेसेसरी टू एग्जीक्यूट इट एंड द रिपीट प्रोसेस क्या होता है कि एड वन नेक्स्ट एड्रेस पे वैल्यू हमें जो भी हमें वैल्यू रीड करनी है वो नेक्स्ट एड्रेस पे देखनी होगी तो एड वन करना पड़ता है. तो देखिएगा जस्ट लाइक एग्जीक्यूशन का ये प्रोसेस होता है. अभी हमें ये नहीं देखना आगे चल के मैं इसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें इस टॉपिक को आपको और बढ़िया तरीके से बताता हूं. तो अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है रजिस्टर में तो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम मैंने बनाया है. तो देखिएगा वॉन्ट टू एड वैल्यू हमने क्या हमें एग्जाम्पल एक हम जैसे कि हमने क्लास में भी हम पढ़ते हैं तो हमने एडिशन का एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे पहले. तो हमें क्या करना है हमने दो वेरिएबल लिए हैं दो वेरिएबल में वैल्यू है एक में ए वेरिएबल है एक बी वेरिएबल है और वो वैल्यू सी में स्टोर करनी है. सिंपल द प्रोग्राम और ये हमारा मेमोरी में वैल्यू स्टोर है रैम में वैल्यू स्टोर है हमारी. तो वॉन्ट टू एड वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए एंड बी एंड पुट द रिजल्ट इन द वेरिएबल सी और ये वैल्यू हमें किस में ट्रांसफर करनी है सी वेरिएबल में. तो हम कैसे करेंगे अगर हमारा बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है और हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्राम देखिएगा. अब लोड ए जो ए की वैल्यू है इनटू रजिस्टर ए जो ए की वैल्यू है सबसे पहले हम रजिस्टर ए में ट्रांसफर करते हैं. लोड बी की वैल्यू रजिस्टर थ्री में ट्रांसफर करते हैं. जरूरी नहीं है थ्री में करो आप टू में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैंने यहाँ थ्री यूज कर लिया. अब जब रजिस्टर वन में वैल्यू आ जाएगी रजिस्टर थ्री में वैल्यू आ जाएगी तो रजिस्टर वन और थ्री की वैल्यू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के थ्रू वो एड होकर रजिस्टर टू में स्टोर कर दी जाएगी. एंड देन आर टू जो रजिस्टर है वो वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर देगा सी वेरिएबल में. ये हम प्रोग्राम जब बनाते हैं तो ऐसे कुछ वर्किंग होती है. तो देखिएगा एक रनिंग प्रोग्राम मैंने लिया है कि कैसे हम रनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. मैं इसे देखिएगा एक रनिंग प्रोग्राम है जो मैंने देखिएगा एक तरफ हमारी मेमोरी है. मेमोरी देखिएगा जो मेमोरी पार्ट है वो हमारा रैम है और दैट्स ऑल सीपीयू. सीपीयू के अंदर रजिस्टर लगे होते हैं तो रजिस्टर वन रजिस्टर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं एटलीस्ट 9 to 10 to 12 अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर उसमें रजिस्टर होते हैं. मैंने चार रजिस्टर यूज करे हैं एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक आईपी. तो दैट्स द लॉजिक. अब हम चलते हैं देखिएगा मेमोरी में दो पार्टीशन कर दिए थे मैंने. एक जगह मैंने आपको बताया था डेटा. अब डेटा तो हमारे कहाँ रखा हुआ है दैट्स द डेटा. अपर पार्ट में इसके डेटा है मेमोरी का और लोअर पार्ट में आपके इंस्ट्रक्शन है. इंस्ट्रक्शन भी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर है 2005 2006 2007 2008. अगर हमें ऐड करना है तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर होना चाहिए. तो देखिएगा मैंने मेमोरी के अंदर स्टोर करा दिया और वैल्यू जो उनमें वैल्यू दी गई थी ए बी सी डेटा वैल्यू थी देखिएगा उनकी भी पर्टिकुलर लोकेशन है और कहीं ना कहीं स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है. तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जाता है 2005 पे देखिएगा दैट्स द सीपीयू का क्योंकि हमें मेमोरी से पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने पॉइंट करा 2005. अब इसमें क्या था इसमें था लोड ए इंटू आर वन. तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने उस इंस्ट्रक्शन को फेच करा और आप जो लोड ए इंटू आर वन जो इंस्ट्रक्शन था उसने आर वन में क्या वैल्यू स्टोर कर दी देखिएगा टू वैल्यू स्टोर कर दी. सही है ना. सेम प्रोसेस आगे बढ़ते हम फिर जो हमारा एड वन था कि हमने दोबारा आर वन में देखिए टू वैल्यू स्टोर हो गई. अब देन लोकेशन आ गई. अब ये इंक्रीमेंट रजिस्टर जो एड वन जो मैं कर रहा था बार बार एड होता रहेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास जाएगा 2006 के पास गया. 2006 में क्या है लोड बी इंटू आर थ्री. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने आर थ्री की वैल्यू बी में स्टोर कराई बी की वैल्यू आर थ्री में. एंड देन द देखिए आर थ्री की वैल्यू जो थी हमारी बी की वैल्यू थ्री वो आर थ्री में स्टोर हो गई. यानी अब हमारे दोनों रजिस्टर में दो वैल्यूज स्टोर हो चुकी है. अगेन अब हमें प्रोसेस क्या करना था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2007 देखिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट करता रहता है इंक्रीमेंट करता. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने बताया कि क्या इंस्ट्रक्शन है आर टू में रजिस्टर आर टू में क्या स्टोर हो जाए आर वन प्लस आर थ्री. तो देखिएगा जो प्रोसेस जैसे ही आपने आर टू में आर वन प्लस आर थ्री करा आपका आर टू में कितनी वैल्यू पहुंच गई आर टू में पहुंच गई वैल्यू फाइव यानी टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव. एंड देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका था 2008 तो आपको आर टू की वैल्यू सी में भी स्टोर करानी थी. तो ये देखिएगा स्टोर आर टू इंटू सी तो सी की लोकेशन पे अगर जो भी वैल्यू पहले थी वो वैल्यू आपकी चेंज हो गई. देखिएगा सी पे पहले गार्बेज वैल्यू वो जो भी गार्बेज वैल्यू रही होगी
वो वैल्यू चेंज हो गई और अपडेट कर दिया आपके सीपीयू ने, उसको पाइप कर दिया। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ द बस सिस्टम। कैसा लगा रनिंग प्रोग्राम सभी को? एनीवन कैन से आपको कुछ समझ में आया? ये प्रोसेस डायग्राम समझ में आया? ये रिपीट करूं अगेन? सर 2008 वाला बता दो। मैं फिर से बता रहा हूं, एक्चुअली टाइम क्या हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताएं, क्योंकि 10:40 पे सर 10:23। हाँ सही है, ओके। मैं फिर से अगेन इसे रिपीट करता हूं इसी प्रोसेस को, तो सभी फिर से देख ले। मैं सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूं। अच्छा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मिलता नहीं है बना हुआ, बहुत मुश्किल लगी है। तो देखिएगा, हमें क्या करना था, एडिशन का प्रोग्राम बनाना था। एडिशन का प्रोग्राम बनाना है और ए प्लस बी, यानी एडिशन हम कैसे करेंगे, ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी और कुछ, और जो हमारी सी में स्टोर करनी होगी। तो हम कैसे रजिस्टर का यूज, सीपीयू कैसे रजिस्टर का यूज करता है, और रजिस्टर के, क्योंकि ज्यादातर हमारा काम रजिस्टर के थ्रू होता है, रजिस्टर एज कम्पेयर टू मेमोरी फास्ट स्टोर करता है। तो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम रजिस्टर में ही काम करेंगे सारे। तो हमारा जो भी डेटा होगा ऐसे ही प्रोसेस होगा आगे आने वाले, कैसे हमारा मूव होगा कमांड। अभी हम लोड की कमांड यूज कर रहे हैं, लोड कैसे होता है रजिस्टर के अंदर, हमें मूव भी कराना होगा। मान लीजिए रजिस्टर R1 की वैल्यू मूव करानी है R3 में, तो कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्या कहते हैं फंक्शंस गिवन है जो नेम्स वाइज हैं। तो अभी हम यही पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, इंस्ट्रक्शन था लोड A इंटू R1, लोड B इंटू R3, R2 एरो R1 प्लस R3 एंड स्टोर R2 इंटू C। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था जो हमने सी में बना लो, चाहे C++ में बना लो, चाहे किसी में भी बना लो। ये एक हम कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में भी बना के देख रहे हैं कि कैसे हमारा असेंबली लैंग्वेज में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए हमने एक मेमोरी ले ली, मेमोरी रैम है, रैम के अंदर आपका डेटा, एक जगह डेटा स्टोर होता है, एक जगह इंस्ट्रक्शन स्टोर। तो पूरे इंस्ट्रक्शन जहां पे भी स्टोर होते हैं वो सिक्वेंस में होते हैं 1x1। तो देखिएगा लोकेशन 2000, पहला इंस्ट्रक्शन 5, 6, 7 और 8। देन ये इंस्ट्रक्शन ऐड हो गए और ए की वैल्यू हमने 2 ले रखी है और बी की वैल्यू 3, सी इज द गार्बेज वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो अब हम कैसे वर्कआउट करें कि कैसे हम एडिशन परफॉर्म करें? तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन जाता है सीपीयू के पास, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, पॉइंटर ने पॉइंट करा भाई हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना था एडिशन का। तो उसके लिए पहला 2005 पे लोकेशन पे हमें इंस्ट्रक्शन मिला और वो 2005 लोकेशन जैसे ही इसे पता चली, उसने रीड करा इंस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या उसने इंस्ट्रक्शन ने कहा है, उसने कहा लोड ए इंटू R1, ए की वैल्यू किस में लोड करनी है, R1 रजिस्टर में। तो जैसे ही ए देखिए ए की वैल्यू 2 है, तो आप कैसे रजिस्टर R1 में स्टोर करते थे, R1 में वो वैल्यू स्टोर हो गई। अगेन अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हर बार में एड होता रहता है, हर बार में उसे जब तक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते इंक्रीमेंट होता है Y1। जैसे ही 2005 लोकेशन पर था, जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ तो ये कौन सी लोकेशन पर पहुंच गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 2006। तो इसमें इंस्ट्रक्शन क्या था, लोड B इनटू R3। अब R3 की वैल्यू किस, B की वैल्यू R3 में लोड करनी थी, तो वही हमने प्रोसेस करा। देखिएगा B की वैल्यू 3 वैल्यू R3 में आ गई, R3 रजिस्टर। अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहता है हमारा 2007। तो 2007 पे हमारा क्या परफॉर्म करना है, इसने कहा R1 प्लस R3 की वैल्यू R2 में स्टोर हो जाए। तो एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने कहा, ये जैसे ही इसने ये परफॉर्म करने को कहा, देखिएगा R2 में आपकी वैल्यू स्टोर हो गई और आपके R2 में 5 वैल्यू स्टोर हो गई। एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज द, जैसे 2008 इंस्ट्रक्शन दिया था वैसे ही स्टोर R2 इनटू C, स्टोर R2 इनटू C। तो 2008 इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही आपने देखा वो आपको इस R2 की वैल्यू कहां स्टोर कर दी, उसने C में स्टोर कर दी। तो देन द होल प्रोसेस ऑफ द CPU, ये हमारा टोटल जो काम था, एरो जो बता रखे थे, ये सारा बस के थ्रू काम चल रहा था, बस के थ्रू डेटा आ रहा था। आप देख रहे हो ये डेटा जो ट्रेवल कर रहा है, जो मैंने एरो लगा रखे हैं, सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन बस के थ्रू आ रहे हैं। तो दैट्स द बस, जैसे आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो ये एरो ही बताना मेरा मेन मोटिव था, प्रोग्राम बताना नहीं था। प्रोग्राम तो आपको आ गया, ये बहुत बढ़िया है, मुझे ये एरो दिखाने थे कि कैसे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं।
तो बस ऐसे डेटा ट्रांसफर करती है ऑल द यूनिट्स में, और सीपीयू से कंट्रोल करता है जहां पे भी कीबोर्ड से डेटा आता है, जहां डिस्प्ले करना है उसे स्टोर करना है रैम के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना है या सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर करना है, तो वो ऐसे ही प्रोसेस करता है। और सीपीयू रैम के थ्रू कनेक्टिविटी बनाए रखता है। सीपीयू गोज इन नेवर एंडिंग साइकिल रीडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम एंड एग्जीक्यूटिंग देम, एंड कंट्रोल यूनिट मशीन जो कंट्रोल यूनिट है उसे कंट्रोल करती रहती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को। तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमारा क्या काम करता है, ये एड्रेस रखता है पर्टिकुलर उस इंस्ट्रक्शन का जो हमारा एग्जीक्यूट होना है। और मेमोरी रजिस्टर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में इंटरकनेक्शन होता है जिससे वो आपके एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स द माई पीपीटी। एक्चुअली अब डिस्कशन कर लेते हैं, मुझे एक सभी की स्नैप चाहिए तो सभी स्क्रीन पे आ जाए। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और सभी होल स्क्रीन पे मैं एक स्नैपशॉट ले लूँ। वीडियो मोड पे आ जाए प्लीज ऑल द कैंडिडेट्स।